हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, मैं दीपक पाठक आप लोगों का स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे 10th साइंस फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो जैसा कि आप लोगों को चैप्टर के नाम से मालूम चल गया होगा कि हमको इस चैप्टर में लाइट और लाइट पे बेस्ड जो फिनोमिनाज हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग लाइट और लाइट से जुड़ी हुई कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आने वाली वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लाइट और इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाइट क्या है, तो लाइट क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी। यानी कि कहते हैं कि लाइट क्या है, जैसे आपने देखा है वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं, वैसे लाइट भी क्या है, एक एनर्जी है, इनविजिबल एनर्जी है, जिसको कम से कम आप देख नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं। और देखिए एक बार फिर से, लाइट क्या है, एनर्जी है, इनविजिबल फॉर्म है एनर्जी का, और ये वो एनर्जी है जिससे कि हमको हम चीजों को देख पाते हैं। नेक्स्ट इज, और क्या कह सकते हैं हम लाइट के बारे में, कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। मतलब इसके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से क्या मीनिंग होगा, ये आप हायर क्लासेस में आकर के पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज कि लाइट के बारे में एक और चीज, कि जो ऑब्जेक्ट खुद से लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। उनको अपन लोग क्या कहते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सन है, अपनी लाइट खुद एमिट कर सकता है। तो जो भी स्टार्स होते हैं, ठीक है, जो भी स्टार्स हैं, दे आर द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। एंड जो प्लैनेट्स हैं, और जैसे कि सैटेलाइट्स हैं, मून वगैरह हैं, जो अपनी लाइट खुद इमिट नहीं कर सकते, दे आर द नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, हम लाइट की हेल्प से ही चीजों को देख पाते हैं, आप यहां पर देखिए, आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसी ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, वह किसी ऑब्जेक्ट पर जाकर के स्ट्राइक करती है, ओके, और वहां से रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आंखों में जाती है, तब हम उस चीज को देख पाते हैं। मतलब ये चीज है, ये कॉन्सेप्ट है, देखिए समझिए, है ना। मान लीजिए दिस इज ए सोर्स ऑफ लाइट, इससे इस तरह से लाइट क्या कर रही है, निकल रही है, ठीक है, है ना। यहां पर ये कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, इट्स ए सर्टेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहां पर ये हम खड़े हैं, ठीक है, यहां पर ये हम खड़े हैं। तो क्या होगा, जो लाइट इससे प्रोड्यूस होगी, वह लाइट इस पर जाकर के टकराएगी, इस ऑब्जेक्ट पर जाकर टकराएगी, देश इस तरीके से, ठीक है ना, यहां से ये रिटर्न होंगी और हमारी आईज तक आएंगी। हमारी आईज तक आती हैं, तभी हम क्या कर पाते हैं, ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? तो आपने देखा कि किसकी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट इज सीन बाई अस, किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ओके, एक और चीज बता दें आपको, आपने लाइट के बारे में देखा, इनविजिबल एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो हम लाइट की हेल्प से कैसे अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, इस कॉन्सेप्ट को आप सुन रहे थे। आगे की चीजें आप लोगों को नोट्स में दिखाई दें और आप पढ़ें, उससे पहले, ठीक है ना, मैं आपको बताता हूं कि देखिए, ये कहा जाता है कि लाइट हैव ड्यूअल नेचर, लाइट का दो तरह का नेचर होता है, ड्यूअल नेचर, ठीक है ना। क्या नेचर है इसका, लाइट का ड्यूअल नेचर है, एक है पार्टिकल नेचर और दूसरा है वेव नेचर। यानी कि लाइट एक पार्टिकल भी है और लाइट क्या है, एक वेव भी है। बात समझ में आ रही है? लाइट जब किसी सोर्स से लाइट निकलती है, तो उस सोर्स से फोटॉन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, फोटॉन्स।
ये फोटॉन्स क्या है, दीज आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इनके अंदर एनर्जी भरी पड़ी है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। लेकिन देखिए लाइट का दोनों तरह का नेचर होता है, एक साथ होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। लेकिन एट ए टाइम हम एक ही नेचर को कंसीडर करते हैं, तो हम पार्टिकल नेचर को कंसीडर करते हैं या हम वेव नेचर को कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ रही है, जब पार्टिकल नेचर को कंसीडर करते हैं तो ये मानते हैं कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। और इसके बिहाफ पर हम रिफ्लेक्शन, लाइट जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो उसको पाथ को रे बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जैसी घटनाओं को हम समझा सकते हैं। और जब हम वेव नेचर कंसीडर करते हैं तो इंटरफेरेंस, या आप 12th में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है ना, एंड पोलराइजेशन, ठीक है। ये सब घटनाओं को हम तब समझा सकते हैं, तब एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब हम मान के चलें कि लाइट का नेचर जो है वो कैसा नेचर है, वेव नेचर है। लाइट का नेचर वेव नेचर है, तब हम इस फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपने जाना कि लाइट हैव ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ओके, एक बार फिर इस पर आइए। तो आपने डिस्कस कर लिया कि लाइट का कैसा नेचर है, वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है, ठीक है ना। तो अगर लाइट को हम वेव कहेंगे तो इसकी स्पीड होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम के अंदर। मीडियम टू मीडियम लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है, लाइट वाटर में ट्रेवल कर रही है, लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है, ग्लास में ट्रेवल कर रही है, तो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रेवल कर सकती है। लेकिन उसकी स्पीड हर एक मीडियम में क्या होती है, अलग अलग होती है। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, यानी कि अगर लाइट इस तरह से जा रही है, लाइट ऐसे करके ट्रेवल कर रही है लाइक दैट, तो जो वाइब्रेशन होंगे वो डायरेक्शन और प्रोपोगेशन के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे इस तरीके से, ठीक है ना। लाइट ऐसे करके ट्रेवल करेगी इस तरह से, और वाइब्रेशन जो होंगे वो उसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वह बात शायद ये है कि अगर लाइट इस तरह से ट्रेवल कर रही है तो जो वाइब्रेशन होंगे वो इस तरीके से होंगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स वेव में वाइब्रेशन जो होते हैं वो वेव के डायरेक्शन के मोशन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात समझ में आई आप लोगों को। तो लाइट एक वेव है, उसके बारे में बात हो गई। और जब लाइट ट्रेवल करती है, लाइट को हम पार्टिकल नेचर मानते हैं, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और लाइट के स्ट्रेट लाइन, लाइट का जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रे। और एक रे को हम कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं सोर्स ऑफ लाइट। तो उससे ये क्या निकल रही है, उस सोर्स ऑफ लाइट से ये क्या निकल रही है, दीज आर द रेज। रेज उस सोर्स ऑफ लाइट से क्या हो रही है, इमिट हो रही है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। सो एक बार फिर से देखेंगे इस पेज पर हम क्या क्या देख रहे थे। लाइट क्या है उसके बारे में देखा, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, कैसे हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लाइट एक वेव है, किस तरह की वेव है, क्या स्पीड होती है, अलग अलग मीडियम में इसकी स्पीड भी डिफरेंट होती है, ट्रांसवर्स वेव है। और देन बात करी रे, जब लाइट को हम पार्टिकल नेचर मानते हैं, है ना, पार्टिकल नेचर उसका कंसिडर करते हैं, तो लाइट जब स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है तो स्ट्रेट लाइन पाथ को ही हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर को डिस्कस करेंगे हम लोग, दैट इज व्हाट द बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट में क्या होता है, जब एक साथ बहुत सारी रेज को हम कंसीडर करते हैं, देखते हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। तीन तरह, थ्री टाइप्स ऑफ बीम्स के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, पैरेलल बीम, डाइवर्जेंट बीम एंड कन्वर्जेंट बीम एंड डाइवर्जेंट बीम। जब सारी लाइटें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, पैरेलल बीम। जब लाइट एक पॉइंट पर आकर के मिलती हैं लाइट रेस, कन्वर्जेंट बीम। और जब लाइट रेस एक दूसरे से दूर जाती हैं किसी पॉइंट से, तो दैट इज व्हाट द डाइवर्जेंट बीम। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। कोई प्रॉब्लम, अगर आपको कोई शिकायत है, दिक्कत है, तो आप मुझे बताएं, ठीक है, और इंतजार करें अगली वीडियो का। थैंक यू।